हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सर्विस है, इस सर्विस का नाम है SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यूं मान लीजिए कभी भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन सेंड करना हो तो आपको इस सर्विस के साइड आना है। नोटिफिकेशन सेंड करना मतलब हो सकता है कि आपको आपके यूजर्स को कोई प्रमोशन का नोटिफिकेशन भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है एंड आप चाहते हैं कि आपके जितने भी यूजर हैं या वो सारे यूजर जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, उन सारे यूजर्स को आपको भेजना है, एक मेल सेंड करना है कि अगर आप आज हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट से या हमारे एप्लीकेशन से कुछ भी बाय करते हैं तो आपको वहां पे 20%, 30% या एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट फ्री मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा। ये जस्ट एक सिंपल यूज केस है, बट आप इस चीज को अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करना है AWS के टर्म्स में। सपोज आपको एक नोटिफिकेशन ऐसा सेंड करना है कि आपके अगर AWS का बिल, महीने का बिल $200 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको एक मेल ट्रिगर करना है टीम को, आपका जो AWS अकाउंट है उसका बिल $200 से ज्यादा आने वाला है, आप रिसोर्सेस को मैनेज कर लीजिए, या अगर आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये जो SNS सर्विस है, इसकी हेल्प से केवल और केवल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। कब और कैसे करना है उसके लिए अलग अलग चीज ऑलरेडी है यहाँ पे। तो चलिए अपन डायरेक्टली डैशबोर्ड पे चलते हैं और मैं वहां पे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ जैसे जैसे वो अपने यूज आने वाली है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। आपको दिख रहा है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, आपको ये यहाँ पे नहीं दिखेगा तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, राइट। एंड अब देखिए यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट होता है पब और सब। पब बोले तो पब्लिशर, जो पब्लिश करेगा, एंड एक SUB मतलब सब्सक्राइबर, मतलब आप एक मेल सेंड करेंगे और वो मेल किसको जाने वाला है, ये उन सबको मेल जाने वाला है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। तो यहाँ पे चलते हैं एंड आप देखिए डैशबोर्ड। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टॉपिक क्रिएट करना होता है। एंड ये एक टॉपिक्स अलग अलग एप्लीकेशन उनकी स्पेसिफिकेशन या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग टॉपिक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जब आप टॉपिक क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है FIFO। यहाँ पे आप जो सेंड करोगे एक मेल या एक नोटिफिकेशन सेंड करोगे तो आप केवल एक SQS को कर सकते हैं। बट SQS क्या होता है, इसके बारे में अपन बाद में बात करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ है अपन बाद में देखेंगे, अपन अभी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप एक टॉपिक बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक बना दिया ग्लोबल, एंड यहाँ पे मैं इस टॉपिक का नेम भी दे देता हूँ ग्लोबल। एंड सारी की सारी सेटिंग्स मैं डिफॉल्ट छोड़ता हूँ क्योंकि ये सारी सेटिंग्स अपन आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। एंड मैंने क्रिएट टॉपिक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट टॉपिक पे क्लिक किया तो अभी आप देखिए यहाँ पे अभी इस टॉपिक को किसी भी यूजर ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल तुम मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक बना दिया एंड अब यूजर्स आएंगे और वो इस टॉपिक को सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो अगर आपने कोई वेबसाइट है जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो बिहाइंड द सीन होता क्या है कि आप एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अभी आप देखिए, मैं यहाँ पे यूं मान लीजिए प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स अगर कोई भी बंदा उस टॉपिक के हेल्प से कोई भी मैसेज पब्लिश करेगा तो वो कहाँ कहाँ सेंड कर सकते हैं। अपन अमेज़न SQS पे कर सकते हैं, AWS लैम्बडा पे कर सकते हैं, एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल JSON कर सकते हैं, HTTP HTTPS एंड प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन एंड पॉइंट पे कर सकते हैं, और SMS भी अपन कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा ईमेल सेंड करके दिखाने वाला हूँ। बाकी सारी सर्विस जैसे 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 अपन लेंगे आगे, फॉर एग्जांपल अपन जब बात करेंगे अमेज़न SQS के बारे में तो उस टाइम पे अपन ये चीजें लेते रहेंगे। बट अभी के केस में केवल एक ईमेल मैं आप लोगों को सेंड करके दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया मेरा ईमेल एड्रेस sharmagaurav646@gmail.com एंड मैंने क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया। तो अब आप देखिए, मैं वापस से टॉपिक्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे एक ग्लोबल टॉपिक क्रिएट है एंड एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे है। एंड अभी आप देखोगे तो मैं अगर कोई भी मेल या इस टॉपिक पे कोई भी मैसेज पब्लिश करूंगा तो वो इस सब्सक्राइबर को नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटस है वो कन्फर्म नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जीमेल अकाउंट को लॉग इन करता हूँ। तो आप देखिए मेरे को यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड यहाँ पे मेरे को कन्फर्म सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए सब्सक्रिप्शन कंफर्म, एंड मैं यहाँ पे आता हूँ एंड उस पे यहाँ पे आने के बाद में मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ। एंड अभी आप देखिए यहाँ पे स्टेटस कंफर्म हो चुका है। वैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स डाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक अकाउंट और मैं एक ईमेल एड्रेस और कंफर्म करा लेता हूँ। क्रिएट ईमेल एड्रेस, प्रोटोकॉल अगेन ईमेल डालता हूँ एंड gaurav@learningocean.com। अगर आपको मुझे मेल करना है तो प्लीज इस ईमेल एड्रेस पे करना, उस ईमेल एड्रेस पे मत करना जो
को थोड़ी देर पहले टाइप किया था, एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन। एंड अभी मैम ये जो ईमेल एड्रेस है ये मेरे फोन के अंदर कॉन्फिगर है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। सेम वही एक मेल आएगा, मेरे को क्लिक करना है एंड कंफर्म हो जाएगा। एंड ये मैंने क्लिक किया, कंफर्म सब्सक्रिप्शन एंड डन। ठीक है, अभी मैं इस पेज को वापस से अपन चलते हैं अपने टॉपिक्स में। टॉपिक्स के अंदर मैं ग्लोबल टॉपिक में गया एंड आप देखिए दोनों के दोनों मेल कंफर्म हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, आप यूं मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक बना दिया और उस टॉपिक के आपने उस टॉपिक को दो यूजर्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। अब जब भी आपको कोई ईमेल सेंड करना है या एक नोटिफिकेशन सेंड करना है तो आप इंडिविजुअली नहीं करोगे कि इसको सेलेक्ट किया एंड फिर आप सेंड कर रहे हो, नहीं। आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है आपका ग्लोबल टॉपिक, इसके ऊपर देखिए पब्लिश मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे पब्लिश मैसेज लिखा हुआ है, अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे भाई सब्जेक्ट क्या भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भेज दिया, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले दो या तीन महीने पहले, कुछ दिन तो नहीं है महीने हो गए, कुछ महीने पहले आप उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे लर्निंग ओशन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर रखा है, मैंने उनको ये कूपन कोड सेंड किए थे। तो अगेन यहाँ पे मैं एक रो मैसेज डाल देता हूँ, टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग ईमेल फॉर यूट्यूब चैनल। बस केवल इतना सा मेल मैं भेज रहा हूँ एंड मैं पब्लिश मैसेज पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पब्लिश मैसेज पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे ये मैसेज पब्लिश हो चुका है। अब जो भी आपके सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनको ये मैसेज डिलीवर होगा। मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे को फोन पे तो नोटिफिकेशन आ भी चुका है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो, बट कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं बैक करता हूँ एंड ये नोटिफिकेशन आ गया, ऑफर ऑन टेराफॉर्म कोर्स टेस्टिंग ईमेल फॉर माई YouTube चैनल, राइट। एकदम सिंपल, आपको एक टॉपिक बनाना है और उस टॉपिक को जो आपके यूजर सब्सक्राइब करेंगे आप उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। नॉट ओनली ईमेल, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप ईमेल के अलावा और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने आपको केवल एक ईमेल भेज के बताया था। तो आप देखिए यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब जब आप एक मैसेज पब्लिश करोगे आपके टॉपिक के ऊपर तो आप क्या क्या एक्शन कर सकते हो। आप एक AWS लैम्डा जो है उस पे भेज सकते हो, SQS पे भेज सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, HTTP और HTTPS एंड पॉइंट हिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका एक एप्लीकेशन है और वहां पे आपको कुछ APIs एक्सपोज करनी है और वो APIs जो है उन पे आपका जो AWS है ये डेटा सेंड कर देगा, ठीक है। SMS आप सेंड कर सकते हो। एंड दोस्तों इस वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि कैसे अपन केवल एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस टॉपिक को सब्सक्राइब करके अपन मैसेज पब्लिश कर सकते हैं। अगले वीडियो में अपन SNS के बारे में थोड़ी सी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके क्या क्या यूज है, कहां कहां आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक खत्म हो गया, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को अभी बतानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।